जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण गणित पेडागोजी के वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर भी करना है, और जो भी हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का जो अपना पहला प्रश्न है कि गणित की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीनतम कौन सी है, तो सबसे जो प्राचीनतम शाखा मानी जाती है वो मानी जाती है अंकगणित मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, रेखा गणित प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त तो होने वाली शिक्षण विधि है, तो कौन सी है? प्रदर्शन विधि। कौन सी? रेखा गणित में प्रायोगिक स्तर पर प्रयुक्त तो होने वाली जो विधि है वो प्रदर्शन विधि मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अच्छी मूल्यांकन विधि है जिसमें देखा जाए बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि, है ना, जिसमें देखा जाता है तो बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैकब एल मोरेनो का संबंध किस विधि से है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समाजमिति विधि से। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जैकब एल मोरेनो का जो संबंध है वो किस विधि से है, तो समाजमिति विधि से है। ठीक है, समस्या समाधान विधि का सोपान है तो निष्कर्ष निकालना। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? निष्कर्ष निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, गणित विषय की विशेषता है तो क्या है? तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चित शुद्धता। तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चित शुद्धता। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला जो विषय है वो कौन सा विषय है? तब आपका राइट आंसर होगा गणित। ठीक है, गणित है। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि, क्यों होते हैं? क्योंकि यह तर्क पर आधारित होते हैं। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? यह तर्क पर आधारित होते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है तो किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ब्लूम द्वारा किया गया। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण ब्लूम द्वारा किया गया। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं होता बुद्धि ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। संश्लेषण विधि के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गलत तथ्य बताना है तो विश्लेषण से पहले प्रयुक्त तो होती है, विश्लेषण से पहले प्रयुक्त होती है, ये संश्लेषण विधि के संदर्भ में गलत है। कौन सा सिद्धांत प्रायोजना विधि का नहीं है? तो कौन सा सिद्धांत नहीं है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? मूल्य। ये प्रायोजना विधि का जो है सिद्धांत नहीं है। अगला है, दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होता है तो क्या सम्मिलित होता है? विषय वस्तु का चयन, शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण विधियों का निर्माण, ये सभी दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है जब छात्र क्या करते हैं? समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है, तो अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक योगदान किसने दिया? तो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों में सर्वाधिक जो योगदान दिया है वो दिया है ब्लूम साहब, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ब्लूम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाठ योजना का भाग नहीं होता तो क्या नहीं होता? शिक्षा के उद्देश्य, है ना, ये पाठ योजना का भाग नहीं होता। गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो मानसिक सिद्धांत के जो जन्मदाता है वो है प्लेटो। कौन है? प्लेटो। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्लेटो। खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? खोज विधि का प्रतिपादन जो किया था वो आर्मस्ट्रांग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने किया था। ठीक है, निगमन विधि का उपयोग है तो क्या है? निगमन विधि का उपयोग सूत्र का प्रयोग करना, ये निगमन विधि का उपयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर जो है शिक्षण सूत्र पर आधारित है तो वो है निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है, याद रख लेना आगमन और निगमन के बारे में। विशिष्ट से सामान्य तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित जो विधि है वो है आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य आगमन विधि और सामान्य से विशिष्ट निगमन विधि। ठीक है, इसके बारे में याद रखना है। गणित शिक्षण के प्रेरणात्मक सिद्धांत के सूत्र हैं, तो सूत्र कैसे हैं? सजीवता। ठीक है, गणित शिक्षण के लिए पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? विषय वस्तु का विकास सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। रेखा गणित में कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? तो कौन से आयाम को प्रमुख स्थान दिया जाता है? आकार, विस्तार और स्थिति। इसमें रेखा गणित में इन आयामों को विस्तार स्थान दिया जाता है। ठीक है, गणित विषय का सबसे अधिक संबंध होता है तो
विज्ञान के साथ। गणित विषय का सबसे अधिक जो संबंध होता है वो किसके साथ होता है? विज्ञान के साथ। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहा जाता है? शिक्षण उद्देश्य कहा जाता है। ठीक है, शिक्षण उद्देश्य। अगला है गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट है। तो गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लू प्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला। प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला आपका राइट आंसर होगा। किस विधि के अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है? तो आपको बताना है किस विधि में किया जाता है, तो वो विधि है इकाई योजना विधि। ठीक है, इस विधि में जो है निर्धारित किया जाता है कि पूरे अध्याय में कितने शीर्षकों के अंतर्गत व कितने कालांशों व किन किन दिनों को पढ़ाना है। ठीक है, गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? तो वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। गणित के जो नियम है वो कैसे होते हैं? निष्कर्ष कहते होते वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है तो क्या है? आगमन विधि का एक प्रमुख दोष बताना है, तो ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। आगमन विधि का एक प्रमुख दोष है कि ज्ञान अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। गणित के अध्याय से एक बच्चे से किस गुण का विकास होता है? गणित के अध्याय से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो वो होता है आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषक सोच का जो है विकास होता है। अगला क्वेश्चन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है कथन किसने कहा है? तो ये कहा है हॉगबेन ने। ठीक है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन है हॉगबेन का। उपलब्धि परीक्षण वाह नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है उद्देश्य का। किसका अंतर है? उद्देश्य का। उद्देश्य का आपका बिल्कुल सही होगा। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व यहाँ पर हमें बताना था। त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री क्या होनी चाहिए? तो त्रिभुज की रचना हेतु आवश्यक उपकरण या सामग्री जो होनी चाहिए वो क्या? कंपास, पैमाना और पेंसिल। ठीक है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है दोस्तों वैधता, है ना। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है तो उद्देश्य से। मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो उद्देश्य से होता है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है तो वो सामाजिक व आर्थिक। ठीक है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? तो बजट बनाना ये अध्यापक से संबंधित कार्य नहीं है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव। ये सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। छात्र गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं तो कैसे? अभ्यास द्वारा, है ना। गणित की गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं तो वो अभ्यास के द्वारा। ठीक है, गणित की प्रकृति एवं संरचना में कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है यहाँ पर हमें बताना है, तो वो नहीं है कौन सी? गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। ये जो है गणित की प्रकृति संरचना में विशेषता नहीं मानी जाती। गणित सभी विज्ञानों का द्वारा कुंजी है, यह शब्द किसने कहा है? ये कहा है रोजर बेकर ने। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों का द्वार कुंजी है, इस प्रकार से कहा जाएगा, तो रोजर बेकर ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य किसे माना गया? तो ज्ञानात्मक पक्ष में सबसे उच्च उद्देश्य जो माना गया वो माना गया मूल्यांकन को। किसे? मूल्यांकन। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत किसमें प्रयोग होता है? तो किसमें होता है? सामान्य से विशिष्ट का हमने पढ़ा है पहले भी, निगमन विधि में, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्रित करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के किस प्रयास को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों किसको? वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी। एक गणित शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों के अक्सर पृष्ठ पोषण देती है, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। रूपात्मक आकलन। ठीक है, नेक्स्ट है गणित की प्रकृति है, तो गणित की प्रकृति तो तार्किक है। अभ्यास शिक्षण किसमें सहयोग करता है? तो आपका राइट आंसर होगा सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने में। क्रियात्मक गणित का महत्व होता है तो स्वयं करके सीखना। क्रियात्मक गणित का महत्व क्या होता है? स्वयं करके सीखना। गणित की भाषा का अंग है
तो संकेत सूत्र संख्या संख्याचर है ना। गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है तो समुदाय सिद्धांत एवं तर्क विज्ञान में गणित शिक्षण का। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है तो आपको याद रख लेना है अंकगणित शिक्षण की जो उपयुक्त विधि मानी जाती है वो विश्लेषण विधि मानी जाती है। ठीक है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है तो कक्षा शिक्षण में एक अध्यापक गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका है। ठीक है, दार्शनिक मित्र परामर्शक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि। गणित शिक्षण में अध्यापक की भूमिका क्या है तो दार्शनिक मित्र और परामर्शक की। ठीक है, गणित शिक्षण की उपयुक्त जो विधि है वो आगमन निगमन विधि है। ठीक है, गणित शिक्षण की उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है तो क्या होता है आंकड़ों का संग्रह संगठन और प्रस्तुति। ठीक है, गणित में समस्या के समाधान का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका नहीं है तो उपयुक्त तरीका जो नहीं है वो रट लेना। रट लेना आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। प्याजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय है आंकड़ों का प्रबंधन। गणितीय प्रक्रिया नहीं है तो गणितीय प्रक्रिया कंठस्थ करना ये गणितीय प्रक्रिया नहीं होती है ना। गणित की कक्षा कक्ष में महत्व दिया जाता है तो गणितीय विषय प्रक्रिया और तर्क पर गणितीय कक्षा कक्ष में। नेक्स्ट है, अधिक गणित जाने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीय कारण कैसे किया जाए यह कथन किसके द्वारा दिया गया तो ये दिया गया डेविड हिलर द्वारा। किसके द्वारा? डेविड हिलर द्वारा। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। ये एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ चर्चा महत्वाकांक्षी सुसंगत है और जो है यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ जो है वो क्या है तो विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है परंतु जब समस्याओं के हल लिखता है तो गलतियां करता है उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है तो कौन सी है उसे ऐसे कारपत्र देखकर रिक्त स्थान भरने को कहना चाहिए जिसमें आंशिक रूप से समस्या हल की गई हो। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। हमारी विद्यालय पाठचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य है तो क्या है कि किस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थियों के संसाधन को सुदृढ़ बनाया जाए। ठीक है, शून्य की खोज किसने की थी तो आर्यभट्ट ने की थी शून्य की खोज। ठीक है, अगला है सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसका था तो मुख्य जो श्रेय था वो आर ए फेसर का था। हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम किसने दिया तो हासिल का संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम जो दिया वो श्रीधर ने। किसने दिया? श्रीधर ने। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो क्या है? दो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है तो एक। गणित विज्ञान है तो गणित काय का विज्ञान? घटनाओं का। गणित की उन्नति और वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है कथन किसका है तो ये नेपोलियन का है। गणित की उन्नति और वृद्धि जो देश की संपन्नता से संबंधित है नेपोलियन का है। उच्च कक्षा में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है तो उच्च कक्षा में निगमन विधि। ठीक है, गणित की सर्वाधिक प्राचीन शाखा क्या है तो अंकगणित। छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है तो आगमन विधि। आगमन विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है तो स्वयं करके सीखना। ठीक है, उदाहरण से नियम बनाना जाता है तो आगमन विधि में। गणित सार संग्रह किसकी पुस्तक है तो महावीराचार्य की। ठीक है, लीलावती पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। 22 दिसंबर को गणित दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर। ठीक है, और मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना इलाहाबाद में किसने की थी तो प्रोफेसर बीएन प्रसाद ने। गणित विज्ञान की रानी है किसका कथन है तो ये कथन है दोस्तों गॉस का। किसका? गॉस। गणित वह भाषा है जिसमें पंच परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया यह कथन है किसका है तो ये कथन गैलीलियो साहब का है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है कथन है तो ये बेल का है। ठीक है, तो सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर भी करना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इन प्रश्नों के बारे में हमने कुछ चर्चा की। इसी प्रकार से चैनल पर आप बने रहें, वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार से 2:30 बजे आपकी रोज संस्कृत की क्लास होती है। शाम को 6:30 बजे आपको पर्यावरण की क्लास,
जो है प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो जरूर देखें। और ऐसे अनेकों वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस जो चैनल का नाम है उस पर क्लिक करें, चैनल खुलेगा, ऊपर प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, प्लेलिस्ट पर क्लिक करना और बहुत सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बता दो और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।